यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। गांव बंद आंदोलन के जरिए किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। किसानों का गांव बंद आंदोलन 10 दिन तक चलने वाला है, लेकिन इस आंदोलन के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कई जगह लोग शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, गांव से दूध या सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी गई है। वहीं कई जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये वाकई में किसान हैं या फिर किसान आंदोलन की आड़ में कोई अपना हित साध रहा है। कहीं पर सब्जियां सड़कों पर फेंक दी गई है, कहीं पर दूध गिरा दिया गया है। यहां तक कि जो लोग दूध और सब्जियां सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहे थे उन्हें भी रास्ते में रोक कर पीटा जा रहा है। दरअसल आंदोलन कर रहे इन किसानों की मुख्य मांग कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की है। वहीं किसानों के इस आंदोलन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के इस आंदोलन को गैर वाजिब बताया है। तो आपको बता दें कि जितने भी ये किसान हैं 10 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आंदोलन को सही नहीं बताया है, गैर वाजिब बताया है। और यहां पर किसान भी गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। और किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। ऐसा नहीं है, किसानों की हड़ताल का कोई विषय नहीं है और कोई उनका इस प्रकार का मुद्दा नहीं है। ये तो एक जिसको कहना चाहिए कि एक विशेष मतलब खम खा के बातों को लेकर के आगे चल रहे हैं। और वैसे भी ये जो हड़ताल है, दूध नहीं बेचेंगे और सब्जी नहीं बेचेंगे, इसमें किसानों का नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान जिस प्रकार से आंदोलन का रवैया अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो खुद को ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ आज के बड़े सवाल क्या हैं ये आपको बता देते हैं। तो किसानों का आंदोलन कितना जायज है ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि आंदोलन जायज है? आम लोगों को परेशान करना कितना सही है, क्योंकि इस बीच आम लोग ही पिस रहे हैं और आंदोलन की आड़ में लोग मनमानी क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मारपीट की जा रही है। क्या मांगे मनवाने का हड़ताल ही तरीका बचा है मात्र? यहां पर कोई भी मांग होती है, सफाई कर्मचारी हो, जितने भी कर्मचारी हो, वो सड़कों पर हड़ताल के लिए उतर जाते हैं। सीएम ने किसानों की मांग को लेकर कहा है कि ये गैर वाजिब मांग है। सरकार क्यों नहीं किसानों की मांग को लेकर गंभीर है? यहां पर सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिख रही है। और किसानों का आंदोलन कितना जायज है ये आज के बड़े सवाल लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आज का मुद्दा बेहद ही खास है, आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि किसान लगातार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन पूरे तरीके से इसे लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये किसान जो है, अन्नदाता जो है, परेशान हैं और रूठे हुए हैं। और यहां पर सरकार के प्रति विरोध भी जताया जा रहा है। और आज का सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है? क्या इस तरह से सरकार को घेरना कितना सही है? क्या हड़ताल ही एकमात्र सहारा बचा है? और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम के पहले दर्शक राकेश मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैडम जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जो अन्नदाता हमारे किसान है उनको नमन करता हूँ। मैडम जी, अगर कोई भी हड़ताल करता है, धरना देता है, वो लोकतंत्र में अच्छी बात है, अपनी मांगे मनवाने के लिए कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैडम कुछ जो मांगे हैं, जैसे स्वामीनाथ रिपोर्ट जो है उसकी जो सिफारिश है, कुछ अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो उसके कुछ अंश सरकार ने लागू भी किए हैं मैम। लेकिन मैडम ये जो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, मेरा तो सवाल, मैं इस बात में खड़े होते हैं कि ये जो सरेआम किसान तो कभी ऐसा नहीं करते, सब्जियां नहीं ले जाने जा रहे हैं, सब्जियां पूरी सड़क में बिखेर दी है, दूध को उड़ेल दिया है मैम,
लेकिन मुझे तो ये लग रहा है ये जो विपक्षी पार्टी है जैसे कांग्रेस है ये इन्हीं की चाल है, ये जानबूझ के इनकी ये सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि ये किसानों को ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर किसानों को अन्नदाता माना जाता है और ऐसे में अन्नदाता अगर इस तरह का रवैया अपनाएगा तो ये कितना जायज है, यही बड़ा आज का सवाल है। यहाँ पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से दूध को सब्जियों को सड़कों पर फेंका जा रहा है और लगातार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए मांग की जा रही है। यहाँ पर सरकार के द्वारा लागू भी कर दिया गया है लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या हड़ताल ही एकमात्र सहारा है, और आज का बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या आंदोलन की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। तो यहां पर आपको बता दें कि किसानों ने 10 जून तक हड़ताल का जो है आह्वान किया गया है और यहां पर इस बीच आम जनता परेशान हो रही है, शहर के तमाम जितने भी लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कल से ही ना दूध मिल रहा है, ना फल मिल रहे हैं, ना सब्जियां मिल रही हैं। अगर कोई दूधिया दूध देने के लिए शहर में जाता है तो उसे पीटा जाता है, ऐसी तस्वीरें भी लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, पीटा जा रहा है ऐसे दूधियों को और उनका दूध भी सड़कों पर गिराया जा रहा है। और अगर बात की जाती है किसानों के नेताओं से तो उनका कहना यह है कि ये किसान नहीं है। तो यहां पर आज के बड़े सवाल यही उठते हैं कि आंदोलन की आड़ में लोग मनमानी क्यों करते हैं, क्यों अपनी मांगों को मनवाने के लिए मात्र हड़ताल को ही चुना जाता है, क्या कोई और जरिया नहीं है? और अगर हड़ताल भी शांतिपूर्ण तरीके से की जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन सड़कों पर दूध को फेंका जा रहा है, सब्जियों को फेंका जा रहा है, तो यहां पर एक तरीके से व्यर्थ किया जा रहा है सभी चीजों को। किसी जरूरतमंदों को वो चीजें ना देने की बजाय उन चीजों को व्यर्थ किया जा रहा है। और यहां पर किसानों ने यह भी फैसला लिया है कि 10 दिन तक कोई भी चीज शहर में नहीं जाएगी और गांव में ही दूध फल सब्जियों को इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में बड़ी बड़ी चीजें क्या है ये आपको बता देते हैं। फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले और किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों पर मिले। और फतेहाबाद से हमारे अगले दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी राहुल, अपनी राय रखिए। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह ये देखा गया है कि लोगों जबरदस्ती किसी की सब्जियां दूध पलट दिया गया है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन किसानों की मांगे भी जायज है, उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर उनकी मांगे जायज नहीं होती तो तमिलनाडु के इतने किसान दिल्ली में आकर ना बैठते, उस वक्त महाराष्ट्र के किसान पैदल चलकर इतनी दूर ना पहुंचते और राजस्थान के किसान इतने परेशान ना होते, मध्य प्रदेश के किसान इतने परेशान ना होते। तो ये सब तो कम से कम सरकार को देखना होगा ना कि क्या वजह है। अगर सरकार दावा करती है कि उन्होंने लागत का 1.5 गुना लाभ दे दिया है तो फिर सड़क पर क्यों है जी? दरअसल हकीकत ये है कि कुछ ही फसलों में 1.5 गुना लाभ सरकार ने दिया है जो बहुत कम मात्रा में पैदा होती है। सरसों तिलहन जैसी फसलें जो बहुत कम होती हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है गेहूँ और धान और गन्ना, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गन्ने का तो आधा बकाया अभी तक बाकी है मिलों पे, तो उसको ध्यान दे तब जाके किसानों का कुछ होगा। किसानों की को क्रिटिसाइज करने से कि भैया किसान ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको मत देखिए। किसान अगर अपनी फसल फेंक रहा है तो उसके दिल में बहुत दर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। कई जगह बात करें उत्तर प्रदेश की तो गन्नों के जो खेत हैं उसके लिए भी पूरी तरीके से पैसे नहीं चुकाए गए हैं। हालांकि खुद नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि उन्हें पूरे पैसे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जितने भी तमाम किसान के नेता हैं या फिर जितने भी ये किसान हैं ये कह रहे हैं कि हम मात्र बीजेपी सरकार को ही गलत नहीं ठहरा रहे हैं। उनका कहना ये है कि सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है और इसीलिए वो मजबूर है इस तरह के रवैये को अपनाने के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 10 जून तक क्या तस्वीर होगी जब शहर के लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। और हिसार से हमारे अगले दर्शक मोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी नमस्कार जी जी, मैं ऐसा बता रहा हूँ, राय रखिए।
हाँ जी अपनी राय रखिए। जी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो सरकार आम आदमी और किसानों के साथ कर रही है उनको मजबूरी में ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है हड़ताल रख के, क्योंकि किसान 6 महीने में अपनी फसल को बड़ी मेहनत करके पालता और पोसता है जी। और उसके बाद उसको वाजिब दाम नहीं मिलते, रेत के भाव उसके मान लिए फसल पर उसको कोई वाजिब दाम नहीं मिलते और उनको हर तरफ शोषण हो रहा है, क्योंकि उसको कभी बढ़िया बीज नहीं मिलता, कभी बढ़िया खाद नहीं मिलता, समय पर पानी नहीं, सिंचाई के लिए नहीं मिलता। इस तरह किसान बड़ा मुसीबत का मारा, आखिरकार उनको ये लेना पड़ेगा। क्यों जो सरकार 4-5 साल के लिए चुनी जाती है वो अपने आंख और कान बंद करके बैठी रहती है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तब उनको लोगों की सुध आती, तब लोगों के बीच में जाती है, उनके झूठे वादे करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर ये तो साफ दिख रहा है कि किसान भी कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो गलत है। आंदोलन की आड़ में किस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये गैर वाजिब है, और ऐसे में किसान लगातार परेशान है, और उनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमसे माफी मांगे। तो सरकार को जल्द ही कोई एक्शन लेना होगा, वरना 10 जून तक क्या तस्वीर होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और तमाम जितने भी ये दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10 जून तक आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर तक भी दूध सब्जियां फल और नहीं पहुंचने वाली हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। और गाजियाबाद से हमारे अगले दर्शक आरसी त्यागी हमारे से जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। आरसी त्यागी अपनी राय रखिए। हाँ, तो ये आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसानों की अपनी परेशानियां सबकी सरकारों के बीच में रही हैं, लेकिन अब ये जो आंदोलन इस वे में हो रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है जी। अखिलेश ने यूपी ने एक पैसा नहीं दिया गन्ने का, एक भी पैसा, पूरे 5 साल चला गया सरकार चला के अखिलेश यादव, और एक पूरे एक साल 365 दिन पैसे नहीं देता था, एक भी आंदोलन नहीं हुआ पूरे 5 साल जी। क्योंकि ये सब पॉलिटिकल मोटो है, ये कोई वे आउट नहीं है। एक किसान की सब्जी तो सड़ जाएगी, उसको क्या मिलेगा? वो यदि मंडी नहीं जाएगा, खेत में सड़ जाएगी, खेत में खत्म हो जाएगी, उसकी पूरी फसल खत्म हो जाएगी। ये जो नेता वहां खड़े हुए हैं इनका क्या नुकसान होने वाला है? ये तो सब पॉलिटिकल नेता हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा है कि किसानों को ही इस आंदोलन से नुकसान पहुंचने वाला है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर 10 दिन तक सब्जियों की खरीदारी नहीं होगी तो ऐसे में किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक नाहन से हरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हरदीप क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी अपनी राय रखिए। हेलो हरदीप, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी जी अपनी राय रखिए। टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय रख सकते हैं, आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ गए हैं। तो चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आज के बड़े सवाल आपको बता देते हैं, आंदोलन की आड़ में लोग मनमानी क्यों करते हैं? क्यों मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का ही तरीका बचा है? हड़ताल को ही क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि लगातार देखा जाता है सड़कों पर लोग उतर जाते हैं और इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। तो आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं, सरकार इन लोगों की ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रही है? किसानों का आंदोलन कितना जायज है ये आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले 10 जून तक किसान जो है वो हड़ताल पर रहने वाले हैं। शहरों तक फल सब्जियां दूध ये आप तक नहीं पहुंचेंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी राय इस हमारे कार्यक्रम के द्वारा रख सकते हैं। देश की आवाज ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, सरकारों तक पहुंचाया जाएगा। तो यहां पर
जो स्थिति है वो गंभीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी की जा रही है। ऐसी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कभी दूधिए को जूतों से पीटा जाता है, कभी उसके दूध को सड़कों पर गेरा जाता है, फेंका जाता है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या आंदोलन का ये तरीका सही है, क्या इस तरह से आंदोलन कामयाब हो पाएगा। और यहां पर आपको बता दें कि लगातार कर्ज माफी की किसान मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ सोनीपत से हमारे अगले दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। अच्छा जी, और क्या करें जी, किसान मरे क्या करें जी, कुछ भाव नहीं मिल रहा, मरने की नौबत आ रही है जी। जी इसी आपसे रिक्वेस्ट है जी, आप ये कुछ करवाओगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अन्नदाता भी कहीं ना कहीं परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और किसान कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो फसल उनके द्वारा उगाई जाती है उनको उचित दाम नहीं मिल पाते। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की सरकार में भावांतर योजना की भी शुरुआत की गई थी, और इस योजना के तहत किसानों की जो फसल है उसके लिए उचित मूल्य उपलब्ध करवाना, ये सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसे भी लागू नहीं किया गया है। तो किसान जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, और इसके चलते अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये हड़ताल की जा सकती है, बजाय इस तरह के रवैये को अपनाने के। यहाँ पर आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूध को सड़कों पर फेंका जा रहा है, सब्जियों को सड़कों पर फेंका जा रहा है, और शहरों तक ये सभी चीजें नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से शहर में जितनी भी लोग रहते हैं, जितने भी आम जनता रहती है, वो परेशान हो रही है। और ये सीधा आपके घर से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसलिए आप अपनी राय इस कार्यक्रम के द्वारा रख सकते हैं। और हमारे अगले दर्शक कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। जी टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी, मेरा राय जी किसान सही कर रहे हैं। तो चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से हम अपने दर्शकों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। क्या किसानों का ये जो तरीका है ये सही है, आंदोलन का ये तरीका सही है, सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा रख सकते हैं। और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कहा है कि गैर वाजिब है, और कहीं ना कहीं किसानों को ही इसका नुकसान पहुंचेगा, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि किसानों को ही इसका नुकसान पहुंचेगा। अंदाजा लगाइए कि 10 दिन अगर शहरों में सब्जियां दूध फल नहीं भेजा जाएगा, तो ऐसे में इसका नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही उठाना पड़ेगा। आम जनता तो परेशान होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तस्वीर आप सोच सकते हैं कि क्या तस्वीर रहने वाली है आने वाले 10 जून तक। और दोबारा से हमारे दर्शक कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मेरा राय ये है जी, सही काम है। हेलो जी। जी जी, आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय रख सकते हैं। जमा कम बोलिंग किया जी। जी अपनी राय रखिए। राय जी जायज बात है, ये लगातार किसानों को हड़प रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर किसान भी परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो उनकी झलक रही है, और इसी को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन आज के बड़े सवाल यही है कि क्या आंदोलन का ये तरीका सही है। और हिसार से हमारे अगले दर्शक मोहन लाडवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आज के बड़े सवाल आपको बता देते हैं, क्या मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का ही तरीका बचा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है आशा वर्कर हो, कंप्यूटर टीचर्स हो, लैब सहायक हो, ये सभी सड़कों पर उतर जाते हैं, और अब किसान भी सड़कों पर उतर गए हैं, और कहीं ना कहीं हड़ताल को अपना करके सरकार को परेशान किया जाता है।
और भिवानी से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी अपना नाम और अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, किसानों के साथ सरकार जाति कर रही है, उनकी बात मांग लेनी चाहिए। बाकी जो ये किसान कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार को इनकी अपनी मांग मान लेनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार अपनी राय रख रहे हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। और इसी के साथ हिमाचल से महेंद्र सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। तो यहां पर आपको बता दें कि लगातार जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और कई दर्शकों का ये भी कहना है कि सरकार को जल्द ही ये मांगे जो है मान लेनी चाहिए, और किसानों की जो ये मांगे हैं वो जायज है। और चंडीगढ़ से हमारे अगले दर्शक जसपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम, ये बिल्कुल गलत है इस तरह से। ये जो धरना प्रदर्शन चलो करना ठीक है, दूध बखेरना, सब्जियां सप्लाई ना करना, बिल्कुल गलत है ये। इनको अपना अगर कोई भी इनकी डिमांड है तो वो ठीक ढंग से इनको रखनी चाहिए सरकार के सामने। इस तरह के जो आंदोलन की जो बात है वो कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आम जनता बुरी तरह वो हो रही है। सरकार की तो छोड़ो, आम जनता पे प्रभाव पड़ रहा है इसका जी। इनको सोचना चाहिए इस बात के ऊपर, जो छोटा किसान है खासकर वो भी इस बात से प्रभावित हो रहा है जी, वो भी प्रभावित हो रहा है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर किसानों को कोई और तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चीज़ों को व्यर्थ किया जा रहा है, सड़कों पर बहाया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बीसी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। ये सब जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है जी। मौलाना जी शांतिपुर सब तार से पर बात करने चाहिए जी, ये अपोजिशनों का काम है, सरकार अच्छी काम कर रही है, बैठ के इसको बात करना जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और इनका कहना यह है कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन ये जो तरीका है वो गलत है। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक हिसार से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं ये बोल रहा था सरकार को जो है ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है लागू कर देनी चाहिए, तभी किसान का भला हो सकता है। सब्जियां तो ये फेंकेंगे, भाव नहीं मिल रहा है ना ढंग से, सब्जी का भाव तो जो लागत है वो ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के जो भाव है, खाद है, बीज है, हर चीज के भाव जो है वो बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, और किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है भाव ढंग से, तो इस महंगाई में फिर क्या करे वो जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक लखनऊ से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैम मेरे हिसाब से क्या ये सही है, क्या ये जो कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये जो किसान लोग कर रहे हैं सब्जियां फेंक रहे हैं, फल फेंक रहे हैं जी, तो इससे तो नुकसान पब्लिक का हो रहा है। और क्या ये किसान है ये भी तो एक बात पता करनी चाहिए, क्या ये किसान है? मुझे तो नहीं लगता कि ये किसान है, इसमें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि किसान जो है वो 10 जून तक हड़ताल पर रहने वाले हैं, और ऐसे में जो भी रवैया अपनाया जा रहा है किसानों के द्वारा कहीं ना कहीं वो गलत भी बताया जा रहा है।